नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा में नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल ने अब जोर पकड़ लिया है। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सामने अपनी 10 सूत्रीय मांगें रखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन मांगों की पूर्ति नहीं हुई, जिसके बाद अब नर्सेज ने हड़ताल का रास्ता चुन लिया है। रीवा में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आज रीवा में नर्सिंग एसोसिएशन ने 2 घंटे काम बंद हड़ताल की है। रीवा में नर्स का कहना है कि आज और कल प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर यह फैसला लिया जाएगा कि किस दिन से नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगी। यानी मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन मानने के मूड में नहीं लग रहा है। नर्सिंग एसोसिएशन की सबसे प्रमुख मांग यह है कि मध्य प्रदेश सरकार नर्सेज को सेकेंड ग्रेड का दर्जा दे। बता दें कि अन्य राज्यों में नर्सेज को सेकेंड ग्रेड का दर्जा प्राप्त है और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सेकेंड ग्रेड का दर्जा देने की मांग नर्सेज ने उठाई है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की भी मांग की जा रही है। ऐसी ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस काम बंद हड़ताल पर हैं और मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। क्या मांगे हैं और क्या है, जैसा कि ये सब विदित हो चुका है कि पिछले कई वर्षों से हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को समय समय पर ज्ञापन विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से अवगत कराते रहे, किंतु सरकार आज तक हम लोगों की मांगों पे विचार नहीं किया। पिछले 9 तारीख से हम लोग विरोध सप्ताह मना रहे हैं तरह तरह के प्रदर्शन के द्वारा, किंतु सरकार ने अभी तक हम लोगों को किसी भी प्रकार से इन्वाइट नहीं किया बात के लिए। इसलिए हम लोग अब अगली जो हम लोगों की रणनीति होगी, आज और कल के अंदर प्रदेश स्तर में हमारे पदाधिकारी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फाइनल निर्णय करेंगे कि हम लोग पूरे प्रदेश में कितने तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। जैसा कि आपने पूछा है कि आपकी मांगे क्या हैं, तो मेरी प्रथम मांग ये है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में नर्सेस को सेकेंड ग्रेड का दर्जा मिल चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक इतनी आलसी कैसी हो गई कि हम लोगों को नहीं दे रही है, जबकि हम लोग पिछले 1.5 साल से कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है कि अगर नर्सेस न होती तो अस्पताल में मरीजों की हालात की स्थिति कुछ अलग ही होती। तो पहली मांग ये है और दूसरी ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 के बाद बंद कर दी थी, उसे पुनः लागू की जाए, क्योंकि वे रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का एक सहारा और सम्मान होता है। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे नए नर्स बहनें और भाई लोग नवनियुक्ति के बाद आते हैं, तो उनके लिए एक 2018 में आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है, जो बिल्कुल ही हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि लगातार 3 साल तक 70%, 80% और 90% वेतनमान दिया जाता है, तो उस पर संशोधन किया जाए। जब हमारी नर्सें भाई बहन पूरा 100% वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरह का आदर्श भर्ती नियम क्यों लागू किए हैं। चौथी ये है कि जो हमारी नियुक्तियां होती हैं उसमें मेल नर्सों को समान अवसर दिया जाए। विभागीय उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे नर्स भाई बहन जा रहे हैं, उनको उनमें एज बंधन हटा दिया जाए और मेल नर्सों को समानता का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा आज हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है 11 से 1 बजे तक, और उसको हम पूरी तरह से अस्पताल से हमारे सारे जितने भी नर्सेस भाई बंधु हैं उन्होंने सहयोग किया है और 100% इसको आज हम सफल बना रहे हैं, और आगामी रणनीति आपको कल की मीटिंग के बाद बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने एक आप लोगों को आदेश भी जारी किया था कि कोरोना काल में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको मानदेय। हाँ, वो भी हमारी मांग का हिस्सा है। उसमें जितने भी घोषणाएं मध्य प्रदेश सरकार ने किया था वो एक भी अप्लाई नहीं किया है और वो अपने ही बातों से मुकर गई है, इसलिए वो भी हमको तत्काल चाहिए, वो भी इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा एक और छोटी सी हमारी नई मांग है कि जो हमारी स्टूडेंट नर्सें हैं जो BSc नर्सिंग की प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं पिछले 3 साल से, उन्हें 36 माह का स्टाइफंड मिलना था जो 5 महीने का मिला है और 31 माह का उनका बंद है, तो कल कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है और इस संबंध में चर्चा है। अगर तत्काल 30 तारीख के पहले सरकार उनकी वेतन रिफंड नहीं करती उनके अकाउंट में, तो वो भी हमारे साथ हड़ताल का हिस्सा।